मित्रों, आगळना वीडियो में चार नंबर वीडियो में आपणे जोयुं मोहेंजोदड़ो जाहेर मकानों अने जाहेर स्नानागार विषय की माहिती मेळवी। एज समयगाड़ा में 1920-21 समयगाड़ा में ज्यारे पुरातत्व विभाग द्वारा जे खोदकाम की प्रक्रिया शुरू हती ए समय दरमियान मोहेंजोदड़ो उपरांत एक बीजू नगर पण मळी आवेलू हतुं खोदकाम में अने ए नगर एटले हड़प्पा नगर। एनी ए टीम सर जॉन मार्शल कर्नल मेके एमना आगेवानी में ईस्वीसन 1921 में दयाराम सहनीए पंजाबना मोंटेगामोरी जिल्ला में आवेला हड़प्पा पासे थी भारतीय सभ्यताना अति प्राचीन अवशेषों की शोध करी हती, जे हिमालय प्रदेश में रोपर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिल्ला में आलमगीरपुर गाम राजस्थान में कालीबंगान अने गुजरात में धोड़का तालुकाना लोथल माथी अवशेषों मळी आव्या छे। ए सिवाय कच्छ में देसळपुर शिकारपुर नामना स्थले अने धोळावीरा नामना स्थले पण आपणने हड़प्पीय संस्कृतिना अवशेषों मळी आव्या छे। सौराष्ट्रनी वात करीए तो सौराष्ट्रमां लींबड़ी पासे रंगपुर गोंडल तालुकामां श्रीनाथगढ़ पासेथी पण श्रीनाथगढ़मांथी आपणने हड़प्पीय संस्कृतिना अवशेषों मळी आवेला छे। मोरबी जिल्लामांथी आपणने कुंतासी नामना स्थळेथी तेमज गीर सोमनाथ जिल्लामांथी सोमनाथमांथी आपणने हड़प्पीय संस्कृति छे तेना अवशेषों मळी आवेला छे। भारतीय संस्कृति आपने सप्त सिंधु नदियों छे नदियों प्रदेश गणवामां आवे छे। सात नदियों के जेमां पंजाबनी अंदर वहती पांच नदी अने अन्य बे नदियों नर्मदा अने तापी आ पांच ने बे सात नदियोंनी वच्चेनो जे आखो प्रदेश छे अत्यारना संदर्भमां जोईए तो पाकिस्तान सुधीनो जे आखो विस्तार छे ए हड़प्पीय संस्कृतिनुं उद्भव स्थान अने एना विकासनुं स्थान गणी शकाय छे। तो आ सप्त सिंधु नदियोंना प्रदेशनी अंदर आ प्रदेश में जे संस्कृति खीली हती एने सिंधु खीणनी संस्कृति कहेवामां आवे छे। सौ प्रथम आ संस्कृतिना अवशेषो हड़प्पा स्थळेथी मळी आव्या हता एटले तेने हड़प्पीय संस्कृति एवुं नाम आपवामां आवेलुं छे। आ स्थळेथी पाषाण एटले के पत्थरना अने तांबाना ओजारो छे एना अवशेषो एनी चीज वस्तुओ पण मळी आवेली छे, जे कही शकाय छे के हड़प्पीय संस्कृतिना लोको धातुओना जे प्रथम धातु छे तांबू एना संपर्कमां आवी चूक्या हता। हां, तेथी तेने ताम्रपाषाण कारण के तांबाना संपर्कमां हता अने हजी सुधी ए लोको पत्थरनो पण जुदा जुदा हथियारो उपर हथियारो तरीके उपयोग करता हता एटले आ संस्कृतिने ताम्रपाषाण युगनी संस्कृति पण कहेवाय छे। मोहेंजोदड़ोनी जेम हड़प्पीय नगर आयोजन पण सुव्यवस्थित अने श्रेष्ठ कक्षानुं हतुं। तेमां पण मोटा कोठारो घणी बधी जग्याए किलेबंदी पण जोवा मळे छे। हड़प्पीय संस्कृतिना लोको अलंकार घरेणाओना शौखीन हशे एवा अहींथी पुरावाओ मळी आवेला छे अने ए समयमां स्त्रीओ अने पुरुषो बंने घरेणा पहेरता हशे एवुं आपणे अनुमान लगावी शकीए छीए। आज संदर्भ में आगळ वधीए तो कच्छना धोळावीरामांथी पण आपणने हड़प्पीय मोहेंजोदड़ो संस्कृतिना अवशेषो मळी आव्या छे एनी आपणे माहिती लईए। भूजथी लगभग 140 किलोमीटर दूर, अहींया अंडरलाइन करजो, भूजथी 140 किलोमीटर दूर भचाउ तालुकाना खदीरबेट माथी धोळावीरा गामथी आश्रे 2 किलोमीटर दूर हड़प्पानुं एक मोटू व्यवस्थित नगर मळी आवेलुं छे। मित्रो ध्यान राखजो, बंने प्रश्नो हड़प्पा अने धोळावीरा बंने प्रश्नो अगत्यना छे, बोर्डमां 3 गुणनी टूंकनोंध तरीके तमने पूछाय छे। हां, आपणे वात करता हता धोळावीरानी। धोळावीरा फरी पाछुं रिपीट करीए, भूजथी लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाउ તાલુકાના મોટારણમાં ખદીરબેટમાં આવેલું ધોળાવીરા ગામ છે
एक गाम थी 2 किलोमीटर दूर पुरातत्व विभाग द्वारा खोदकाम करता एक मोटू नगर मळी आवेलू छे, जे हड़प्पा समकालीन नु व्यवस्थित प्राचीन नगर छे। गुजरात राज्य ना पुरातत्व विभाग द्वारा आ टिम्बानु, अहींया टिम्बो एवो शब्द वापरो छे, टिम्बो एटले एक मोटो टेकरो अथवा तो नानी टेकरी के पर्वत जेवो, मोटो पर्वत नहीं पण मध्यम कक्षानो जे पर्वत हतो एनु सर्वेक्षण थयुं, એના ઉપર શોધખોળ સંશોધન થયા અને ત્યારબાદ ખોદકામ કરતા એક આખું નગર મળી આવ્યું છે। એ પછી આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, અન્ડરલાઈન કરજો મિત્રો, આ એ સંસ્થા છે સમગ્ર ભારતની અંદર જે તમામ પ્રકારના ઐતિહાસિક સ્થળો ની દેખરેખ સારવાર સંભાળ રાખવાનું કામ કરી રહી છે। એના અધિકારીઓએ 1990 સાલમાં રવિન્દ્રસિંહ બિત, અન્ડરલાઈન કરજો, રવિન્દ્રસિંહ બિત્સ નામના જે અધિકારી હતા એમના માર્ગદર્શનમાં અહીં ખોદકામ કર્યું અને અહીંયાથી આપણને આખું એક નગર મળી આવ્યું છે। ધોળાવીરાના કિલ્લા, મહેલ તેમજ નગરની મુખ્ય દિવાલો જે છે એ સફેદ રંગ કરવામાં આવેલો છે, આવો હશે એવું આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ। તેના પુરાવાઓ અવશેષો આપણને અહીંથી મળી આવ્યા છે। ધોળાવીરા નગરની કિલ્લેબંધી મજબૂત હતી, સુરક્ષા વ્યવસ્થા વ્યવસ્થિત કરવામાં આવેલી હતી। આ દિવાલો માટી, પથ્થર અને પેજ બદલાવજો, પેજ નંબર 20 ઉપર આપણે જઈ રહ્યા છીએ। આ જે ધોળાવીરાની દિવાલો છે એ માટી, પથ્થર અને હાથે ઘડેલી ઈંટોથી બનાવવામાં આવેલી છે। ધોળાવીરા એક એવું ઉત્તમ નમૂનાનું શહેર હતું કે જ્ઞાની પ્રજાએ એ સમયની અંદર ગળાઈને આવે એવા શુદ્ધ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરી હશે, બરાબર છે, એ પણ અહીંથી આપણને અવશેષોમાં મળી આવે છે। જે વ્યવસ્થા આધુનિક યુગની અંદર પણ આપણને વિશ્વમાં લગભગ ઓછા જણે, આજથી 5000 વર્ષ પહેલાં આવી વ્યવસ્થા કોઈ પણ પ્રકારના સાધનો વગર કરવી એ લગભગ અશક્ય હતી, પણ ધોળાવીરાની એ સપ્ત સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિના લોકોએ કરી હતી। આધુનિક યુગમાં પણ એ શક્ય નથી। પાણીના શુદ્ધિકરણની વ્યવસ્થા ખૂબ જ અદ્ભુત હતી। હવે પછી આપણે આના પછીના વિડીયોમાં લોથલ વિશેની માહિતી મેળવીશું।